नमस्ते, मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक डी मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों में भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश हुआ। सबसे ज्यादा बारिश हुआ खरगोन में 109 मिलीमीटर। 4 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। 29 डिस्ट्रिक्ट्स में से थंडरस्टॉर्म भी दर्ज किया है। ईस्ट एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ छिंदवाड़ा में 62.1 मिलीमीटर। टेम्परेचर सबसे अधिकतम तापमान ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ 36.9 वेस्ट एमपी में, और ईस्ट एमपी में चट्टरपुर में 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ अभी कल की पोजीशन से थोड़ा सेंट्रल की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी उसका पोजीशन ऐसे जैसलमेर, कोटा, गुना, दमोह, पेंड्रा रोड, संबलपुर वैसे जा रही है, और एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में डेवलप हुआ है ऑफ ओडिशा के सदर्न साइड कोस्ट में से। और दूसरा इम्पोर्टेंट साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक पश्चिमी विक्षोभ अभी सक्रिय है 72 डिग्री ईस्ट में। अभी आने वाले दिनों में ये लो प्रेशर सिस्टम सेंट्रल इंडिया में कुछ बारिश देंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। 19 तारीख को एक नया लो प्रेशर सिस्टम बनने का चांसेस है, वो सिस्टम और ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा हमारे रीजन में। तो ये कंडीशंस के हिसाब से हमने अभी फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट सिस्टम इधर गुजरात के ऊपर भी है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वो भी हायर लेवल तक परसिस्टिंग है। तो अभी सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो आज के लिए हमने साउथ वेस्ट एमपी में ज्यादा एरिया में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। पूरे रीजन में हेवी रेनफॉल वार्निंग भी दिया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी बारिश होने का चांसेस है आइसोलेटेड प्लेसेस में। बाकी सारे रीजन में देखा गया तो आइसोलेटेड टू फ्यू प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। और ईस्ट एमपी में छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट ये रीजन में भी थोड़ा उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, वहाँ पे भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म का चांसेस है। कल का देखा गया तो साउथ वेस्ट एमपी में जो सिस्टम मतलब एक्टिव जो सिस्टम है वो उधर और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, स्पेशली सीहोर से रतलाम, उज्जैन ये सारे रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। सेम रीजन में हमने हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का भी चेतावनी दिया है। बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर ये रीजन में हेवी टू वेरी हेवी, बाकी रतलाम, उज्जैन, इंदौर, अलीराजपुर, धार, खंडवा, देवास और सीहोर के रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी बारिश का भी चांसेस है। बाकी सारे रीजन में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रही है। और 17 को देखा गया तो ये एक्टिविटी थोड़ा कम हो रही है सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल रीजन में, जैसे देवास, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर ये रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। बाकी रीजन में फ्यू टू आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश एक्सपेक्ट कर रही है। और थंडरस्टॉर्म वार्निंग सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए दे रही है, और हेवी रेनफॉल वार्निंग स्पेशली ये रीजन सीहोर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर ये रीजन में रहेंगे। और ईस्ट एमपी का भी, साउथ ईस्ट एमपी के जैसे शिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और 18 तारीख को ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ईस्ट की तरफ ज्यादा हो रही है, जैसे छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, पांडुना ये रीजन में मेनी प्लेसेस में बारिश का चांसेस है। सेम रीजन का मंडला, शिवनी और बालाघाट ये रीजन में आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और वेस्ट एमपी में देवास और सीहोर में भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी रेनफॉल का चांसेस है। और अभी का ये जो लो प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट सेंट्रल एमपी में बहुत ज्यादा रेनफॉल में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन 19 तारीख को जो बन रही है वो सिस्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट होने का चांसेस है। उसके वो सिस्टम आने के बाद हमारे सेंट्रल रीजन में और अच्छे तरह से मानसून का सेटिंग हो जाएगा। धन्यवाद।